उत्तराखंड प्रदेशे पौड़ी जनपदे लंगूर मंडले उतिंडा ग्रामे वास्तव्यं विप्र वंशोद्भवः कश्यप गोत्रोत्पन्ना श्रीमान पंडित राजेंद्र मोहनजी शरवणः सुपुत्र स्वर्गीय श्री रामचंद्रजी शरवणः स्वगृहे स्वमातृभूमौ मापाल कुमारी देवी सानिध्ये सम्मुखे खप्तालीस नाम चलचित्रस्य शुभारंभ सुमुहूर्त कर्मणः एतत् समये सर्वरिष्ट खंडनार्थे विघ्न बाधा दूरीकरणार्थं नारकेल बलिं घातयस्ते। अच्छा यजमान जी, पंचांग पूजा भी हो गया, हवन भी हो गया, अब बच्चा को नामकरण करने की तैयारी कर ला कि क्या नाम दे। यु नाम आणु च रोहिणी नक्षत्र च तृतीय चरण च व बी अक्षर पर नाम आ। सोच लिया वह अक्षर पर नाम आणु च और क्या नाम था? विकास धल लई एक नाम। विकास ने धन कहते है ना? ना ना विकास ने धन किरे ने धन विकास ने नाम क्या आई का रोड ने सड़क ने पानी ने बांदर भीतर बैना चन सौलचन संगरचन क्या विकास होने का कुछ विकास नहीं का। मेरे पिछली बार लड़की हुआ था ना तो बूढ़े बूढ़े उन्हें नाम परगते नहीं धन दिया। ठीक का आदमी तब परगत ने धन दिया क्या परगत होने का कोई बचाने वाला नहीं कोई हंगरा देने वाला नहीं। पुरानी कुड़ी भी खानदार हो गई
काली को द्वार भी टूट जाई। पुरानी कुड़ी भी खंदवार हो जाई, दुर्पाली को द्वार भी टूट जाई। पटली रड़ी गेनी कुड़ी छवे जा, पटली रड़ी गेनी रे कुड़ी छवे जा। पांची पुंगड़ियों थेन एकी बवे जा, पांची पुंगड़ियों थेन एकी बवे जा। नचुया दे नया गोमा, नचुया दे नया गोमा। आग भबरोंदी ना कागा बास दू, यखुली यखुली राती रात्यों खास दू। आग भबरोंदी ना कागा बास दू, यखुली यखुली राती रात्यों खास दू। आखी थकी गेनी तेरु बाटू हेरी हेरी, आखी थकी गेनी रे बाटू हेरी हेरी। अपनी ही टेंदू रे उंदरी उकाल, ओ अपनी ही टेंदू रे उंदरी उकाल। नचुया दे रया गोमा, नचुया दे रया गोमा। मुख जा तेरा कैरी जा दी बेटा, आखरी भगत भेटे जा दी लाटा। मुख जा तेरा कैरी जा दी बेटा, आखरी भगत भेटे जा दी लाटा। हमारुत तकी रेंद रे सोर ना यो च एक बक्सा। हमारी एक कहानी को हीरो भी बक्सा च, हीरोइन भी बक्सा च, और विलेन भी यो बक्सा च। इबेरी शांत बर्फ हमारो जो च, मगर यू बक्सा इतका शांत नीच जत्थक दिखे रही। ये कर्मो को आई बक्सा भैरम बरखा में झूड़ो हाँ कर्मो जी, यहाँ बक्सा भैरम धर गई है अरे फला पत्ता। अभी उतिंड गांव वाला ये बक्सा पर विशेष ध्यान भी देना चाहिए, मगर यो बक्सा पूरा उतिंड गांव में तहलका मचाणो छे। यो बक्सा पूरा उतिंड गांव वालों की भूख पीस नींद हजाणो छे। यो बक्सा अभी लुखते की अलग अलग जगहों में दिखे हो छे, कभी डाल मा, कभी पुमड़ मां, कभी रस्ता मां, कभी पदर मां। ये बक्सा थे इना उना सरकाणु को छ, ये को भी अभी कुछ पता नहीं छ। खैर जब तक ये बक्सा खुले दुनिया च,
तब तक बीत चुके हैं। अरे तू अगर सूट ले आ जी चार दिन बड़े धरियो बक्स जखम यू बक्स कह छ ये भी समझ में नहीं आनी हमारी ये बक्स होन क्या छ ये भी समझ में नहीं आनी हमारी यू बक्स कहल धार यू भी हमार समझ में नहीं आनी छ ये बक्स हुंदो बम्बे वे सकदो बम्बे बम हां वे सकत ये बक्स पुडू लाश हो लाश हां ये पुडू रुपए वे सकदिन अरे प्रधान जी तुम बताना क्यों नहीं छो भाई क्या ये बॉक्स आंदे कख बटा यो बॉक्स अरे मेरा खबर कौन से अक्षर मसल लगे छे ना जन तुम छो तन भी छो अरे तुम को ले दे लाओ क्या जे हम प्रधान जी अगर ये बम वाल तो तब भी हमको नुकसान ही छे अगर लाश वेल ते अमर सर गांव जेल चल जाल प्रधान जी बाद इंच किले नाम ना मरे मजोला जब वो पाए पुट का बुजुर्ग बना दे तो ये बक्सा पुट क्या वो नहीं बता सकूं बिल्कुल बिल्कुल ये अभी बात सही थी लेकिन अब तो गैर भगत हो गया ही इनका लाभ बहुत सुबह चौला पा क्यों अब ये बक्सा तक ही इन्हें छोड़ सकता हम चौकीदार तक करण पोले ली पर चौकीदार कर लखू हाँ मुंतु ये गोमा दुई आदमी जमड़ मच है जन जीरो और जक्या अजी हाँ मीन अब बनी जुगाड़ रात ही फूक दिया ही तो ये बक्स तक कहीं जुगाड़ है जब चार दिन होगी तक एक दिन और सही बहुत सुबह निकल लगे सब लोग जो दो चार नीदगढ़ जाला अरब की मजोला तब की पूछे रहे बतौले की क्या चीज ये फोटो तो आप लोग सबरे जमाने से बिल्कुल ठीक सहमत सहमत सर चलो फिर नमस्कार 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 ए क्यों बाकी मिटे ए क्यों आ नवरे बैठ्या छन हां बैठ्या छन प्रस्थान ठीक ठाक छन बहुत बढ़िया तुम नवर सही है इन तो भगवान भी नहीं बोलदो हां इन बथाणो कि गुठियारा गोर में गणो छो चलो ठीक ठीक छ ठीक छ जय हो परमेश्वर महाराज सच सच बता दे परमेश्वर महाराज दक्षिणा भगत जरा बहुत कम किया ये प्रभु पैर नवर कह लेना मर हमर मन ठीक ठाक बुझे जानता हम और धैर्य दाओ कि तुम मत केप तो जब तुम मन नहीं लगा तो चलो कोई बात नहीं या परमेश्वर पर सच्ची बात बोले महाराज असली असली ओम प्रदमे तेले पुत्री तुके में ब्रंताणी ते तरन के क्रम में चक्रन ते चोक में कुष्मांड बा पांच में असमे कंदे माता सत में कामदात्री सातों में काली रात्रि आठों में महागौरी नौ में सो नौ में तो नौ दुर्गा माता जय माता भगवती प्रदमे तेले नरसिंह तुमको आजे संग्रे बाबा तेले नरसिंह तुमको आजे संग्रे बाबा गो नरसिंह तुमको आजे संग्रे बाबा अगो नरसिंह तुमको आजे संग्रे बाबा बंगाली देश को बंगाली नरसिंह तुमको आजे संग्रे बाबा तुम्हारी ढाका बंगाल तुम्हारी ढाका बंगाल को आजे संग्रे बाबा देवी अपर स्थान पर और नरसिंह तुम्हारे अपर स्थान पर
मैं रहूं तुम्हारा प्रस्थान पर से भगत। कोई दोष नहीं यार भगत, कोई अहंकार नहीं, जयकार नहीं, कोई दाग नहीं, कोई दोष नहीं यार भगत। पितर दोष भी नहीं, बाकी तो देवी देवता बाकी सब कुछ तुम्हारा ठीक छे। अगर जो कोई होरी सवाल कुछ उठाना चाहता पूछ जा भगत। परमेश्वर महाराज हमारे काम आयो एक बक्सा और सच सच बता परमेश्वर महाराज की वो एक पुटुक क्या बक्सा है। झूठ बोल परमेश्वर सच बोला आदेश। ओ तो में सोचना चाहिए कि एक नंबर कराना कौन ये सारा गांव के ले आयो जो बक्सा अरे फिर बक्सा तो बवाल हो गया रुपया बोल दियो लाज बोल दियो बम बोल दियो ये परमेश्वर खटफस में आज वाल प्रसंग अगर जो बक्सा खुल जा लो तो यार तो सब नवरिया हमें समय सको मुझे चले यार ये क्या बन परमेश्वर कुछ न कुछ तो मित्र बुने पड़े यार हिसाब में यार मुझे देखने पड़े क्या थे यार आदेश। कंजोर देवता बहुत देर हो गया चलो देखते छो नाक नी वे और तख्तीश चल नीचे और जो लास्ट वे एक मुंड नीचे कन हम एकम कपाल पकड़ बैठ लगुन आया छा के मुंडा पर ये बस वो परेशान है छा के वाले को नेन मा बोल कन गा पर को नि मुंडा कयो छी ये गलत खाने ने सेने ने दिन रात एकम का पास पकड़ी कर बैठा तो ठहरा 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 भाई घरे ठहरा समस्या तो बहुत गंभीर थी या गंभीर जन भी हो पर इसके मैं बहुत बड़ू छु अगर एक पुड़ू लाश हो तो समझो कि हम सब पर हाथ कर लग जेल अगर यखन बम हो तो सब ऐसा मुर्द छो हम यखम अब करुण क्या च अरे समय से मेरे कार्यकाल मान से जब मैं प्रधान बनी छू कन बबाल आई मे गुणे प्रधान जी मैं तो भारी कबरा ढूंढू भाई फिर करुण क्या च ये एक भाई वही तो समझ में नहीं आनो चा अरे मैं तो कन कबला चिंड उठी जिये दे देखेगा अरे तुम सन्न नहीं निचा खींचू नहीं मिले बक्स दे खोल दी था जो होगा देखा जाएगा ज्यादा चेरी भी दे दो खोल जाओ हाँ हाँ मैं खोल जाओ दिखे जान
कम से कम ये मुंडर तो छंडे ही जा ना। दिमाग में एक तरकीब कि अगर ये तो भ्यागू लमडे चूला अगर ये बम वाल तो फट जाल लाश हो तो भैन निकल जाल रुपये बिल्कुल से बक्सा और लमडे भ्यागून तू मी नया ना मे पर मैंने दिपता यूच मैं दिपता बीर जाल रे अबर काम अजीब मुसीबत यह है भाई बक्सा ब्याह समाचार में बताया जाए कि सूटकेस में लाश मिली जरूर एक बुटुक बुरी चीज तभी वो दिपता भी बात अरे प्रधान जी फिर करूँ क्या जी एक भाई वही तो समझ में लिया म्यार भी मैं एक तरकीब और थी निकला पर्चे डाला अच्छा तो ये एक बच्चा तो बुलाओ छकमटे की वो आलू है छकमटे पर्ची उठा लो दे बेटे दे एक पर्ची दे मिम्मा उठा छकमटे ये मिम्मा का ये तो बम आ गया भाई पहले छोटे में बम आ गया हैंग दे बेटा ये प्रीमा का अब लाश आ गया हैंग दे बेटा वाह वाह जी वाह एक मत रुपया आई गई तीन दहा तीन अलग अलग चीज आई गई अब निकल रहा है कि एक बार और पर्चे दिला जो एज ले वो फाइनल ले बेटा एक पर्ची उठा वाह एक बुढ़ रुपया आई गई भाई रुपया भी आ गए अब इन कर ला के सांस करिए बक्स तक खोली दूल दिखी जाए तब जो भी हाल अगर इसके अंदर लाश निकलती है तो कोई खतरा नहीं है अगर बम निकला तो हमें सावधानी बरतनी होगी जैसे ही ये बक्सा खुलेगा सबके सब जमीन पर लेट जाएंगे क्योंकि बम 360 डिग्री पर ऐसे ही फटता है सबके सब सावधान रहें। अरे एक ढूंढे जरा पड़ोसी अब देख लिया मन अमीन हो या बुढ़ू जवाल बारे पता नहीं चलो भाई प्रधान जी ये सस्पेंस भी खत्म आया भाई खेल बॉल के सस्पेंस खत्म हो गया ही सस्पेंस तब और बढ़ गया ही कल गए प्रधान जी देखो जी अगर यखुन लाश होंदी तो यो लावारिस होंदु अगर यखुन बम होंदु तो भी यो लावारिस बक्स होंद लेकिन यखुन छन रुपया और रुपया तो लावारिस हो नहीं सकता आयु रुपया कह का छन आज किले दरिया छन अगर हम भी बिना रुपया आपस में बांट दूला तो हम भूल हथकुड़ियों पर चल जोला प्रधान जी ये बात तुम्हारे दिमाग में पहल के लिए नहीं आ भाई हम ये बक्स ब्याहूंगी लमड़े जी खाम का पांच दिन बिना सड़कों परेशान करियो अरे भाई ठहरो हम 15 दिन तक जवाल कर दो अगर कोई अपर बक्स लेने को ऐ जालू तो हम वे तब एक बक्स वापस कर दूला और अगर 15 दिन तक कोई नहीं आंदू
तो हम आपस में यूँ पैसों तक बांट दूला। प्रधान जी गैर दिन का तो रुपया छीनिए। जो चीज हमार नीचा वे तो हमन के लिए गण 15 दिन बाद जब हमार वे जालू तब हम गए लूला। अब सवाल यो चा कि 15 दिन तक ये बक्सा धरण का छे। हमारी दुर्गों में जो सबसे ईमानदार आदमी छे वे के घर धन भाई बक्सा। मी हाँ बड़ा हाँ गंभीर बड़ा। आप सभी लोग बोना चाहिए कि गंभीर बड़ा घर दारो तो फिर बड़े घर दे दे बक्सा ते तुम लोग मिपर बनोस का ना चाहो अरे मित्र सर ना उम्र तुम तो गाय दिन उन्हों ये गवा कोई नीचा जैसे मीन गाय नहीं दिवे गंभीर बड़ा जो अन्यों का रोलवेन गाय इस तक खाना ना पर तेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं चा। अच्छा तो राजी था तुम सब लोग तो चलो ये बक्सा बंद कर दे चलो बड़ा ताल खोलो बड़ो। रुपयों थे देखेगी गांव वालों ने अपनी खैर बिपता एक आस मोड़ ढके दी बशर्त कि 15 दिन तक कोई रुपयों को हकदार नहीं हो और अगर हकदार ऐजालू तो वायदा जिंदगी इलोड़ो काच भी कोड़ो और पक्यों भी कोड़ो। सर्रा बक्सों दो रुपये भरे चन तत्काल रुपये छना के गहना भी नहीं चन हर गांव वालों ने दिफर भरोस का है हरिभक्त साहब मियार भीतर दार अम्मी नर बगी सर्रा उम्र गांव को तक गाय दिन लो गांव वालों ने जो मिफर भरोस का है वह भी स्वास्थ्य में एक कभी नहीं चुन लियो जान से भी ज्यादा हिफाजत ये भक्त साहब करोड़ मियार ए बाबा चोर तो नहीं है ये रुपये चुराओ गांव मुर्दे की बुरी रे पीते छे नी तू बना है कि नवाई बुढे जुरु पे चुरे दिया है जा लियो तब ब्याह छटी बाकी भीतर तो नहीं बैठा विचार घटी तो जरूर ठस गए थे वाले बुड्ढे। हाँ जी रो ठीक बोलने छे तो पता भी कन कर लगन कौन सा मारो नोट गिनिया था अगर ठस गए भी होला ये किक किधर आ होला चल खोजांदा छौ तुम्हारे मुर्दा बांस का न्याय तुम्हारे पैदा कर दूँ अगर भरोसे चाहती बोल सब दार क्लच में आ जाए ठीक जून छवि तुम तक आए गाड़ी खांच हो जा तुम अब पिता तुम्हें गाड़ी जून छे अब मीन तुम जुते आने चाहो
रुपयों भूलूं बग सामान चीनी पैक कर 15 दिन तक यूं रुपयों को असली मालिक नहीं आया था तो हम यूं रुपयों तय आपस में बांट दियोला और सारा गांव की खैर भी बता दूर भेजी। मगर एक बात को ध्यान रखना पड़ो लो कि यह खबर गांव से बाहर नहीं जान चाहिए कि ये भीड़ पुट को बक्स धरू तो हमर नथर के खत कुछ नहीं लगन रुपयों से भरियो बक्सा चिड़े आई यानी कि गाँव वालों का सुपनिया आल धरेगी। 15 दिन तक बक्स हकदार नहीं आया था ये पैसा गाँव वालों में बैठे जाला। फिलहाल सुनो तक की वीण हूं 15 दिनों का भगत तब तक जरा दिख दो कि ये 15 दिन गाँव वालों का कनकटी नहीं कुछ यूं तो चर कह की नहीं सुनी हूं ये रे बेटा मलगर तू उंद छ तू गए था वो कक्ष चली जाओ काका तंदी बोल गए था हॉस्पिटल जाने था 5 साल बिट न तेरे को एक कना सो से रे अब तुम बैर हो या छ आज अचानक तक तेरा कमर खुल गई ना अरे काका वो हॉस्पिटल जाने पिनिस नहीं मिल 5 साल बिट न पिनिस नहीं मिल रात है पिनिस मर गया साहब साहब क्यों नहीं बोलू चाहिए कि गोमर रुपये बढ़े ना छ 9-15 दिन से पहले मर जा अरे एक बार भी तगड़ी भी जा ना तुई तेरो ना तुई मेरो मतलब को मेल जा कांडा लग्या ई दुनिया मा सब टको को खेल दी तो सब टको को खेल जा हमार गांव तो भाग खुल गए को भगवान रवाल जो हमको निदगारो पे धर गए जुगबिचु जुगराज रहे अब है जुगराज रहे हैं कन टक लगी तेरी 2 रुपयों पर हर जे का रुपया वाला वो आल और अपना रुपया ले चल जाल और तब रेल गिच भाड़ी तनी तुम चुप राजी तुम अगिचन का भी अच्छी बात भी निकल दी मिन सोनी कि हर परिवार तक कम से कम 10-10 लाख रुपया मिलन रुपया मिल दे मिन तो कोर्ट द्वार सटक जा क्या यार हेलो भुया जा भुया भंडना उड़ आसमान मा अगर हमते 10 लाख रुपये मिलल अभी तो 4 भाइयों 4 बांटा बोला और हमारे भागमाला 2.5 लाख रुपया बस ढाई लाख रुपए में तो सतपुल भी नहीं जेणु या दिमाग पता क्या बोलू छ तुम 4 भाई इकट्ठा छा इले 4 बार ढोना छन अगर तुम 4 अलग भेजेला 4 पाठ भेजाला तुम 4 भाइयों को पाठ माले 10-10 लाख रुपया सिंधु तो ठीक बनी छे पर मिल झगड़ा कन के कर अरे न कभी छोटू बैल बड़ भाई कोने न बड़ भाई कभी छोटू भाई कोने फुने सेट तक नहीं बोल तो तू बता जो मैं झगड़ा कन के कह सकूं अगर हम 2.5 लाख रुपए लेकर बैठ जाओ ना तो लोग उन्हें तो बेवकूफ बता और फिर फायदा तो तुम्हारे भाइयों बीच बात तो तेरी ठीक छे पर मैं झगड़ा कन कोई कर झगड़ा करना कोई वजह भी तो होनी चाहिए हम भय इंचो जन माछ और पानी अब तू ही बोल माछ पानी से बह रह सको यो नहीं हो सको जब तक 4 बांटने वाला और मितन म्यार अलग हिस्सा नहीं मिले तब तक म्यार तक बचाने की जरूरत नहीं है और न म्यार धारण की जरूरत है तब तक न मिन खाड़ च न पकाड़ च तब बोल दी लोग कि जनों ने उठाए मर्दा छीन मर्द और म्यार जीव बोलो कन पड़ता पर वो मरे एक ना होश ठिकाना आ जाएगी का जोच सुना जी पता नहीं क्या सोचने जो किले है ना तुम भय भय अलग भेजा किले देखा आज नहीं तो भूल हमने अलग को भूल ही ठीक चु और अगर अभी हम अलग भेजा ला ना तो भी मैं फायदा चु हमते पूरा 10-10 लाख मिला निधर हमते 5-5 लाख ही मिला
झगड़ा करना पड़ा लो। हाँ तो करो ना झगड़ा, तुम करो, तुम सोचा तुम कुछ ना भाई। कैसे हो झगड़ा किले, तुम किले नहीं कर सकता झगड़ा, ठीक है तुम नहीं कर सकता झगड़ा ना, तुम नहीं कर लो झगड़ा, तो कुछ भी कर सक दू तो हम 10 लाख हासिल करने का खातिर। हे जी इना सुना दी जरा, तुम ना एक काम करा, मुझे बोल रहा छो ना ध्यान से सुना, तुम जावा और बीच कुमरा में जाके एक पाडू भेंट की आ जाना, और अगर कोई कुछ बोल लो तो बोल देन कि आज बटे आध कुमरू हमारा। क्या दिमाग खराब है क्या? ये मत दिमाग खराब होने की क्या बात चल रही है, आज भी तो बोल हमारे बाट होने ही चल, और अगर आज बाट हो जाला वे में फायदा ही चल, बोल अगर अलग वेला तो वे में क्या फायदा हो लू, जन्नी बोल लो छो तनकारा, चुपचाप से जावा और बीच कुमरा में एक बाडू घेंट के आ जावा, जावा और तुमसे नहीं होता ना ये काम तुम ही कर लो, और मैं तो चार और सोने के आलू हूँ थे, जावा जा। इंजन मेर भाई अब मेर का जहां बनी चल कि उधर का झगड़ा करा कनके कन में उधर का झगड़ा क्या वे आज भजन सरा पूर्ण हम दे दिया पहल किनम जात सब मिली कर सका आप अकेले कर अरे बेटा किले रोनो छै मैं तो बोर्डन मार दिया ये जरूर को सनेड़ का रोल ना अरे अन्याय नहीं करदा अरे अन्याय कर लो तो एक ही गलोड़ है भी लाल है गलोड़ भी लाल हुए जान ठीक छे ना आ तीर मात भी मरने चले जा मैं रो दवा ए क्या वेगी क्या वे किले छै रोनो बोर्डन मार दे हैं इन्हें दिखा दे जरा हे चुचो कन बिजो पड़ी कन लाल कर दिया ये की गलोड़ी हे बाबा 3-4 दिन वेगन में थे देखत देखत देख नहीं सकनी जी वह हमते चल चल मेरे दगरी चल पूछ दो छो हे दीदी इन कन बिल्कुल ही निर्गुस्सा का चितारी छे तू हमते हैं कर गजोर से मार तीन मेर नो अरे एक थप्पड़ी के लिए मारी हवा से थर लिखा दी और सर रमुंडी काट दी एक तुम तो चाहने लगे छा ना कि हम बिल्कुल निर्जरा भेजा कदगा कड़ी जुबान बुनी छे तो आज है लौकिक लगुलू पड़ जाए किरण जान लौकिक लगी छा वे पर वो फ्रेन बल मूत नी इत गारू छे दिया जत का इत कद वे पर लगी भी नी जत कद बवाल कनी छे 6-7 लौकिक लग्या छा वे लगुल पर उबड़ जाए त्यार भी तू छो वो लौकिक लगलू है साजा छो वो हमारा अभी बांटा नी वेल हमारा जे दिन बांटा भेजा लेना वेडिंग जमे तो धोस समझ नहीं छा ना तू ठीक बुनी छे तू जनती तो त्यार भी अब बुक्स का ये वाल तीन ता नहीं तो बुन अरे जब बात हमारी होनी च तो म्यार मैं ती बेबू बते किला छलाड़ी तो बीच में तेरी सी लबलबी जीप ते काट एक ना वे लौकी का पत्ता भाई धार ले लो हां छे छे पर बुबक तो रुकर मेरी जीप
है जी यो क्या ये दुरान जी ठाणी मास खाना बनाने कंपटीशन होनो क्या कोई कंपटीशन नीच हम अलग वे गया ओहो अच्छा 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 तो ये जरूर मेरे परी के काम हला ये का इतका हिम्मत अच्छा तो किका बांट तुम लो क्या भांडा कुंड भी बांटे ले और भीतर ऊपर भी बांटे ले हम भी तो अच्छा भीतर भी बांटेगी ना अच्छा तो चलो दिखता चल गोभी गोभी दिखला पहली बराबर हमन बांट कर रहा तुम तक भी आपत्ति तो नीचे अरे हम थे क्या आपत्ति छे जब तुम्हारा विचार नहीं मिलना चंदुइयों का तो तुम राव अलग पर हाँ एक बात मेरे कंदूड़ खोड़ी के सुन लिया चाहे तुम दुई चुल्ल लगाओ कि दस लगाओ हम दुई भाइयों खाण दगड़ में छे अब हम थे लगी इस भूख और लगाओ खाणक है जी ती वितरण लोक की साग बाड़ी छ लाट हुई गे तो बोला अरे सुमेर सुमन ले लोक के लोग रो पड़ छ अच्छा तू ही लोग की कभी तो बांट हवाओ ना क्या बोला तब प्रधान जी नमस्कार जी नमस्कार नमस्ते जी नमस्ते प्रधान जी हम आपसे एक बात बताना आया था हम दुई देरानी जिठानी अब अलग अलग भेज गया हमारे चुल्लू भी अलग भेज गए आपने अगर सच नहीं आनी छे ना तो आप घर में आके देख सकता बात इन चाहे कि गांव में जो पैसा आया छन ना वे को हमते अलग बांट चेंदू वारे हूँ बात इन चा कि दुई चुल लगोन से दुई भे अलग अलग नहीं होंदा दुई भैयों को राशन कार्ड बना लो अलग अलग पूर्णों को बांटवा लो और तुम्हारे अलग होने की खुशी में गांव में कलियो बंटा लो अत बारे हूँ यू काम तो सात दिन में होनी चाहिए बारे हूँ अब तो दिन भी कम रहेगी यूँ कागज पत्र बनाने में तो मैं नौ लग जाने बारे हो पर बात सुनो दी पर तुम के लिया था मुँह तो बेच दा जो तुम्हारा आदम छन दुई भे देख लिया प्रधान जी अगर कुछ वे सकते तो ना 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 बारी कुछ नहीं वे सकते कुछ भी नहीं वे सकते ना ना कुछ नहीं वे सकते यह बात पक्की चा केवल तुम तो एक बांट मिलना केवल तुम तो एक बांट मिलना और वे तो घर में ले जाएंगी घर में जगह वे दुई बांटा कारो चावे का तो चार बांटा कारो पता चे हमते चल
तिमला तिमला खते नंगी को नंगी दिखे, तिमला तिमला खते नंगी को नंगी दिखे, कुटे अलगे की दुखो टुलानी होंदा चुचो। तिमला तिमला खते नंगी को नंगी दिखे, तिमला तिमला खते नंगी को नंगी दिखे, कुटे अलगे की दुखो टुलानी होंदा चुचो। तिमला तिमला खते नंगी को नंगी दिखे। बोलू भाग माजो तुम ते मिला लोगो, कैसी बैर ना कैर बिरणा बाट माना है, कैसी बैर ना कैर बिरणा बाट माना है। चुप चार सही छाछ माँ भली, हेर कितलो ना करो बुरो की सैर, हेर कितलो ना करो बुरो की सैर। टटनाय अपुन लगो नो ना अपुन धरो, टटनाय अपुन लगो नो ना अपुन धरो, फुक मारी के लुको ओंद नीचे रे बतो। तिमला तिमला कते नंगी का नंगी दिखे, बुद लोभ गुरु रवाये से दूरु, भीतर बैठी नींद दो हाथ कुटो ते हलो, भीतर बैठी नींद दो हाथ कुटो ते हलो। हिटी हिटी कटे दियो काल बड़ी, पौड़ी पौड़ी की सुपनों का ढिलना बनो, पौड़ी पौड़ी की सुपनों का ढिलना बनो। अजनी मिलित क्या बोल मिलल रुको, अजनी मिलित क्या बोल मिलल रुको, मन का लोभ रुको काटिक भैर तुदो। तिमला तिमला खते नंगी का नंगी दिखे, तिमला तिमला खते नंगी का नंगी दिखे, कुटे अलगे की रुको तुलनी हूँ गल तो। तिमला तिमला खते नंगी का नंगी दिखे, तिमला तिमला खते नंगी का नंगी दिखे। खेला आराम से रह लिया, कान झगड़ा रहो रात दिन तुम्हारी हो। झगड़ा क्या चीज़? तुम तो परेशान करे और मैं कान है मैं नहीं बैठ सकूँ तो खून कुर्सी माँ मैं जन क्या चीज़ आज मैं तुझे एक मिनट निकाल देती हूँ ये निकाल दे दो मेरे खिलाने के लिए मैं आज नहीं बैठ सकूँ लाइट चाल दही बाकी तीन कुछ नहीं कर ये झगड़ा मैं आज निपटाई दूँ ना चल एक मिनट निकल जा तू मैं निकले जा मैं आज तो कहते हैं मेरे को एक मिनट निकल जा एक मिनट कर ये तो तेरा खड़ी नहीं कहते हैं मेरे को परेशान कर रहा है तू छा
चार पांच दिन बेटा घर मानो छो मैं तो तीन इन भी पूछ के तुम कने रहा हो कत रहा हो तुम खाए चिके प्या चिके ये भी पूछ तीन हमारे पहाड़ माँ नवरिया बामने अजगरी भूख की नहीं रह सकता मैं पुंगुल जानू छाओ दाल दे नीचू लम जेल लगाना रहे हैं नथर में तुम पर जेल लगा ए बक्के भाईजी नीचे यार बक्के भाईजी ए बक्के भाईजी अगर हूं दू तो हाँ के लनी भूल दे यार बक्के भाईजी यार मैंने खुद पर आंख बंद दिया यार बक्के भाईजी यार बक्के भाईजी ये दुई हराम खोर किले वाला में तो खुजाना कुछ काम नहीं है वो सारे में तो हमेशा हराम का खाना का चक्कर भरे नहीं मेरे तो पूरी बोतल लाई छे दारू की मैं निसोच बक्के भाईजी दगड़ पियोला अरे चार अंडू भी लगा छे म्याला अब आ मेरे समझ में कके बेटा यूं को बोतल चोरी लई वेल हराम खोरो की कके यूं बैठना ने वल छंद इले के ये मितचन खुजाना चल यार बक्के भाईजी नहीं यार अरे लोला वो उतन नागड़ो सामने खप खप खसड़ पले के वो मतलब क्या तुम्हार समझ में नहीं आंदी ऐ जाने भीतर खर्च तुम्हार बोतल ये आज पूरी बोतल ये आज अरे क्या आज यो कच्ची चिकी पक्की मैं तो समझ के तुम्हारे हुस्की यार रम है नहीं अरे नहीं यार हुस्की यार ना रम और ना कच्ची ये तो पानी चुरे पानी दुया देते मैं तुम्हारे थैला उन देखी ना मतलब अंडो हमारा पानी हमारू और गिलास हमारा दार तुम्हें सिर्फ दार तभी तो मैं सोच रहा छाई ये दुई हराम को और मिते किले जिन खुजना हाँ हाँ छे जिन में मैं आ गया तो हमको तुके नहीं चल लिया पर आपको ना ले जिन में आ रहा
तुम निकलो एक मिनट पिया का तू। अरे बगे भाई जी यार दीप है 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 तुम्हारी नगदोड़ा दार सुना बांध पड़े आज नहीं भगवान मैं यार बके भेज यार बके भेज यार तुम जरा से परेशान निकल यार दीप है यार दीप है यार जरा परेशान निकल यार अरे जा दीप है खिला दे यार बके भेज जरा तलब अरे चाहे यार तुम यार ये बके भेजी सुन ले पिले ली तो सिर्फ तैयार दीप है जाला निपले तो पता नहीं क्या क्या चल जा धमकी देने से तुम बिते बैक क्या छोमे बैक क्या भगवान का घर में तुम भी हो अरे ये तो भगत बताल भगत बरगबान कर दो अगर हमन बितिया निपिल निकालना हाँ बक्या मेरा नाम तो जख्या हाँ ज्यादा छह बोलो तन तन बक्या कर मैं देख ले लो देख ले तैयार के हाल देना ये कहो माँ ये दिए दी महापापी कमीना इंसान से नहीं दिए भी कुत्ता कमीना छ नहीं दिए भी अपने यो दिया दो होते हैं शाम का कर कान का बचो हमी आप जी खुद भी यूं साल होते कान का खुज देनी वो अगर जख्या से तो मैं भी बके छोप ना वो बक्या ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम पुनरेकाक्षाय मंगलम तनो हरि ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु ओम मंगलम ये सरदार तुम तो पंडित है बड़ा खुदाना सरदार से ना सरदार के सरकार थैंक यू पुत्र थैंक यू ओ आपका नाम तो बहुत बढ़िया जी जी हमने सुना जी जगह जगह पटियाले से आया हूँ जी वहाँ भी आपको बच्चा बच्चा जानता है जी हमारा समाधान कर दो जी जी जी, जी। हम भी बहुत परेशान हैं जी हमारी समस्या भी समाधान कर दो जी बैठो 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 पाजी बैठो बैठो पाजी बैठो बैठो कुर्सी उर्सी नहीं है जी बैठने वास्ते पाजी थान पे नहीं होती कुर्सी ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कृतुदा मंगलम वेद का नाम मंगलम पाठ का नाम मंगलम भोपते भो मंगलाय जय नरसिंह तुमको आदे संग्रह बाबा तले नरसिंह तुमको आदे संग्रह बाबा घो नरसिंह तुमको आदे संग्रह बाबा घो नरसिंह तुमको आदे संग्रह बाबा समाधान मिल गया जी हो जाएगा जी पक्का विश्वास है जी बहुत पक्का विश्वास है जी हो जाएगा जी वे खबर टंगलो बल्लो कया छन रे दीप बाबा वे खबर टंगलो बल्लो कया छन कुचन को भी बोलने दो जी खुद ही बोले जा रहे हो जी अरे कोई तो वितरक पाजी जब तक ठा पर लटल पिया छन फटिकता मरी छ घात गिरी छ पाजी आज इनकी भरे नीचे पाजी और अपर कुटमक अपर वितरक्ष मेरा तो अपना एकता है जी महाराज और तो कोई है नहीं जी आपका कहने का मतलब मेरे ताए ने किया है सब तुम तो उन खान नहीं दिए सुनो पाजी हो ये लेकी त्यार संपट कंचाणो पाजी हो
मेरा ताऊ? मैं तो अपने बाप के बराबर समझता हूँ उसको, वो इतना नीच निकला मैं तो टोटे टोटे कर दूंगा उसके। पीछे से वार करता है, जादू टोना करता है। हिम्मत है तो सामने आओ, तुझे बाद में देखूंगा ताऊ, पहले जरा इससे उपाय पूछ लूं। नकार पूजन पड़ो पाजी, फटकार पूजन पड़ो लो। मैनू नहीं पता है जी, हंकार फंकार क्या होता है जी, खर्चा कितना आएगा जी, ये बताओ जी। खर्चा तो जगरी पताल पाजी, जगरी जगरी पताल एड्रेस तो मिजोल पाजी। सुनो जी, क्यों ना ताओ जी को यहीं बुला लो, हाथ के हाथ फैसला हो जाएगा। अक्कल वाली बात कही तूने, हाथ का हाथ फैसला हो जाएगा। जो कुछ देवता ने बोला है ताए ने किया है कि नहीं। ये क्या कर रहे हो पाजी? ताऊ को यहाँ बुला रहा हूँ जी, दूध का दूध और पानी का पानी यही हो जाएगा जी। अरे मेरे घर में क्यों हंगामा करा रहे हो पाजी? हंगामा मैंने क्या किया जी, हंगामा तो आपने खड़ा कर दिया जी, मेरे ताऊ का नाम लेकर। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी यही होगा जी। पूजा बाद में होगी, पहले ताऊ को पूछा जाएगा उन्होंने ऐसा क्यों किया है जी। ऐसी थोड़ी होता पाजी, मैंने थोड़ी बोला पाजी, वो तो देवता ने बोला। हम तो देवता ऐसे पूछेंगे जी, आपसे थोड़ी पूछेंगे। हमारे पहाड़ में ऐसा नहीं होता पाजी, हमारे पहाड़ में जो नवर्या होता है वो सिर्फ नवरी करता है जी। जिसका दोष हंकार जयकार फिटकार होता है उसको चुपचाप से पूजा जाता है पाजी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता जी, सरदार लोग हैं दिल को साफ रखते हैं, जो मन मिटा होता है हाथ का हाथ निपटा देते हैं। अभी फोन लगाता हूँ ताए के लिए। हेलो ताया, ससुरियाल, तुसी चंगे हो? ऐसी भी चंगे, इतने हो गए जी पंगे, तुसी को कर दिया इसने नंगे। ताया तुसी इतने आ जाओ जी, उतिंडे गांव में तोड़े नाल जरूरी गल करनी है जी। अरे यहाँ क्यों बुला रहे हो पाजी? अरे गल यहाँ शुरू हुई यही खत्म होगी? अरे यहाँ आपस में लड़ोगे क्या? नहीं जी नहीं, यहाँ क्यों लड़ेंगे, लड़ना होगा तो अपने घर में जाके लड़ेंगे। यहाँ तो ताऊ को पूछेंगे जो तुमने कहा सच है कि नहीं। मैंने नहीं कहा पाजी, ये तो देवता ने कहा है। हाँ देवता नु ही पूछेंगे। अरे तुमने उनको उतनी दूर से यहाँ क्यों बुला लिया? देवता नहीं आएगा तो उनका खामखा फजीता हो जाएगा पाजी। कैसे नहीं आएगा जी, देवता अभी भी आ गया था। देवता तक फंस गयो मैं आज यार, 50 साल लेकिन मिता आज ये नंबर कर्ज कर पानी 5 किलो मुड़ मैंने पहल बार दिया गया। इन गाल गाल मेरे कभी नहीं 50 साल हम जना जाए यार। देखो जी ताऊ जी आ रहे हैं, मैं उन्हें दी शक्ल नहीं देखने जी, मैं चली जाती हूँ। ठीक है तू जा, वैसे भी तेरा कोई काम नहीं है थे। उनको आने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा पाजी, तब तक तो आप भी जो है कि भाई इधर उधर से घूम घाम के आ जाओ। ना जी ना, पावर में ना लग जावे, मैं इत्थे ही बैठना, गल मुका के जाने में। ओ मरि ओ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गृहदुदा मंगलम। तुसी किते चले जी, बैठ जाओ, तुसी भी किते नहीं जाने जी।
ये क्या जबरदस्ती है भाई? तुस्सी ने बोला है जी मेरे ताऊ ने घात डाली है। तुस्सी बोले है मेरे ताऊ ने मेरा बुरा किता है। जब तक ये इल्जाम साबित नहीं हो जाता तब तक आप भी कितने नहीं जा सकते। मैंने नहीं बोला पाजी, ये तो देवता ने बोला है। हाँ देवता भी तुम्हारे ऊपर आया था जी और तुम्हारे ही ऊपर आएगा। अगर तुम नहीं रहोगे तो देवता किधर आएगा? फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है पाजी। अगर मेरे पे देवता आ गया ना तो तेरे को बर्बाद कर देगा, तो तेरे को भस्म कर देगा। जो आप बोले पाजी रुको पाजी ऐसा मत करो पाजी। मेरे बाप जैसे ताऊ ने ऐसा किया है, घर तो हमारा बर्बाद हो गया है, बचा क्या है? ओ पुत्र का है तेरे कितने? ओ बल्ले 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 बल्ले। ओ ताओ तू ये क्या किता? ओ पुत्र मैं की किता? ये मालिका, ये ठाकुर जी, ये इष्टकाली देव ठाकुर जी, ये इष्टकाली देवता, आज मेरी जान बचे दे मालिका। ओए क्या हुआ, तेरा देवता नहीं आया? मेरे बाप जैसे ताऊ ने क्या किता बता, बुला अपने देवता नो। देवता ऐसा नहीं आता पाजी। ओए फिर कैसे आता है? ओए पतिज तू मैनू क्यों बुलाए थे? बहुत बड़ा इल्जाम लगा है जी आपके ऊपर। ओए कितने भाग रहे हैं, पकड़। छोड़ दो पाजी। ओए तुसी कितने भाग रहे हो? देवता नू बुला। ओए देवता नू बुला, मैं की कितना बता। छोड़ दो पाजी यार। सुनो तो भैया जी, क्या भाई तुम्हारी किले बचे हो घबरोग? देखो बहन जी मैं बहुत परेशान था, मैं देवता के पास आया पूछवाने के लिए। इन्होंने कहा है कि तेरे ताए ने टोड़ा टोड़का किया है मुझे बर्बाद करने के लिए। मैंने अपने ताए को इधर बुला लिया। ताए कहना मैंने कुछ न किया, मेरे ताए तो पटियाले से आ गया जी, इसका देवता आया नहीं जी। अरे भैजी यू नवरोल तो पहाड़क नास मारे ले भयू दे भयू निरण दिया ही। और तो और यू स्वारो दे स्वारो निरण दिया। हम अब तरपटे कुछ नहीं मिला था, जन जय करो रे हम तन नहीं बताना। मी ये गांव की बुआर छे ना और मेरा औलाद नहीं भाई, तो मेरा आदमल में थे निकाल दिया और मेरा मैं तो उल्मी थे मैं इतनी रहन दिया। सिचो में गोरु की छानी मापड़ू दिन कटनु। ये कथा हम तक किले सुनानी चाहिए। तू ये थे इले सुनानू छाऊ कि मिला अपने सौदा कुने का कब फटक तल मरी या कत का घात के यार दीप तम जा के अपना लट लबी चुटे है फटक तल भी मरी और भी भरते कौंड तक नीचे गो। अरे भैजी जब मैं ये गो में ऐच है ना तब कन किस रान चली चे जब मैं हिटू छे और अब जब मैं हिटू छे तो मेरा हड़गा बजन आ रहा दी खट 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 मेरा का गया देवता क्या मुंडू हिलाना छो सुई निन अब सु बड़े छो मैं हड़गो की खाकर कंकाल तंत्र। ओ बहन जी साडा तो निपटानी तुसी अपना लेके बैठ गई। ओए अपने देवता नु बुला और बता मेरे ताऊ ने क्या किता? तुम जाओ यार मेरे दिमाग खराब नहीं करो, पेट 5 किलो नूडल्स है तो 12.5 किलो होगी ना। ओए दिमाग तो तू हमारा खराब किता, मेरे पे इंजाम लगा के मैंने बर्बाद कर देता। ओए देवता आएगा कैसे, लगता पता इसने दारू बंदी हुई है।
देखो देवता आएगा कैसे। ओए दारू तो तब भी तेरे लता पर बंधी हुई थी जब तेरे पर देवता आया था, उस वक्त तेरे पर कैसे देवता आ गया? नवरे झूठ जा, जब हम तो ये सफारम पूछन चाहिए क्यों नवरे सटम भाज के जाए। बिच्छू बूटी लगाओ इस पे। क्या कर बोल दी बिच्छू बूटी? अरे कंडा लगाओ ये पर कंडली। तेरे पर क्या बिच्छू जा क्या कह देने में तेर नहीं पीनी। ये सब काम थे मैं आज अपनी हाथल करूँ। आज मैं यूं नवरे कंडली कंडली झपड़ अरे घबरोल ने कह रहा जरा सुन तो लाओ, चुप रहा जरा बात सुना। आज ये बक्सा यहाँ हमार गांव में 11 दिन होगी। अरे अभी तक इन पता नहीं थे कि ये बक्सा कह चु जन की सर गांव वालों में हमार बुझ छाई कि हम ये बक्सा की 15 दिन तक ही जगवाल कर ला। अगर कोई हकदार आलू 20 रुपये भूलू बक्सा हम ये तो वापस कर दूला। अगर 15 दिन तक कोई नहीं आलो तो हम ये बुरी बक्सा पैसों को आपस में गाँव तो बांट दूंगा। अब सिर्फ 4 दिन रहेगी, 5 दिन ये रुपया हम आपस में बांट देंगे। उन तो हमने सब परिवार का नाम लिखे ले लें, अगर कोई रह गया बोलो तो अपन नाम लिखा देंगे। और हाँ एक सबसे जरूरी बात यह चाह हमारे गाँव में रुपये बैठना चाहिए, यह बात कौन से बहन ने जान चाहिए। आओ कसम अपने बच्चों का पहले अपने कसम कोड़ी बात छू कभी। अच्छा तगड़ में एक बात और सुना कि गांव बेटे की कोई आदमी बहन नहीं जान अगल बगल गांव माँ कखी आवाज नहीं जान चाहिए। ये चल मुसाफिर माँ ये बात को जिगर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी ना। और एक बात और सुना और गांव बेटे की कोई आदमी बैर निजाल 4 दिन बचाचन और फिर न कोई बैर गांव वालो हमार गांव माल। और हम दुई चौकीदार जीरो और जखेते ही गांव का दुई बाट मां खड़का ना जा मुस्तैदी से जीरो और जखिया अपनी ड्यूटी दियाला और गांव मां 4 दिन खुने की सब की इंट्री बंद। बाहर पहुंचा लो। चल 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 चल। हाँ जी बड़ा सिद्धांत समझू जाऊ छो एकम यार समझू जो। अच्छा अच्छा कह रहा हूँ तुम्हारे समझू लो। अरे बेटा सोच चिंडो ये उतरने इच बाड़ा जी उतरने तो ओ फारने से ये लाटो मेरे तो सारा उम्र बीत गया है ये उतिंड आंध आंध। बिल्कुल आंध रहे होले तुम पर 4 दिन पहले उतिंड गांव रेडी उंद चली है। कसम से सर उतिंड उंद रेड गया बिटे क्या सर गांव उंद रेड गया वो। हाँ हाँ उंद रेड गया। ये तो बहुत जुलम की बात हो गया किलम जात रोडम चाहिए अब उंद रेड गया वो उतिंड। सकल सूरज से तो बिटाऊ तुम विद्वान लगना चाहे दे विद्वान। अरे इतका विद्वान आज झूठ नहीं बोल सको ठीक से बिटाऊ अमित ताली जानता कि कहता अब जब इतका दूर बिटन आयो तो समझो तुम्हें जानी च गौ चाहे उन्दरो चाहे उबचोड़। हाँ बड़ा तो बंदी जा 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 यूं जानियों तो गड़वाला नाच मारे आलू।
अमीन कर दू कि मैं लेबार जान क्या कहता इकम तो राख सोचन बैठिया इन मुआरियो जानियो को कहे अबट भेज दे मेरे ये कनप समझू तो जानी च हाँ फिर आजा बड़ा चल पूछ दा छाते ते आज को जानी जानी मेरे जानदान किन्ने जानदान समझू कह गो जान बड़ा अरे बिट्टा मीन अभी तो तुम पाल छे कि मीन अब समझू जान उतिंड अच्छा अच्छा उतिंड जाओ जाओ यो तो उतिंड अरे भाई मीन तो इन सुनो कि उतन उन रेड़ गया हाँ जी ठीक सुन तो मन हमन वे तो फिर रूप खींचाल ये तो पता ही नहीं छे एक समझू को छे क्या हाल हो दन हाँ हम भी देख ले को हाल हुंदा बको हाल ओ समझ जी नमस्कार अरे भाई नमस्कार तो ठीक छ पर तुम ये गुण समझ के ले बुना जा अजी समझ गुण समझ नहीं बुनो तो बुलान के आचा अरे तुम इन बताओ कि तुम्हारे यहाँ कै गाँव छा अजी उतिंड ही छो उतिंड अरे भाई तुम तो पता नहीं छे कि उतिंड तो तीन चार दिन बड़े तो रेड गया अच्छा पर मीनती ने सुन की बताओ बुखें चाल छाए अजी बेगुब इंसान छा भाई तुम रेड़ियों गाँव भी कभी उपाय छाए पर भाई साहब कोई गाँव रेड गया मीन भी आज तक इन्नी सुन तुम मजे के नहीं जाए समझी जी मजे के तो मैं अभी भी नहीं छो ओ मेर बेटे के आप तो कनी पछाण अलमी था अरे बेटी तू भी नहीं छो फिर तब पछाणी ना तेनी पछाण छो को छो तुम अरे मैं त्यार बाबा छो बाबा कंजुलम हुआ तब त्यार बाबा छो मैं बेटी अबर बाबा तो भी नहीं छो पछाणी अरे ये उतिंड करो तो क्यों है बोल भाई खैर अपने पछड़ा छा तुम लोग अब ये उतिंड गाँव बिठन जान कक छा ये तो बहुत परेशान की बात हो गया है और जब समझ भी नहीं पछड़ो चा और बेट भी नहीं पछड़ी चा कन क्या चे भाई ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो गई अरे हम छा हम हम काम वाला बड़ा जी तुम्हारा चलो आओ बड़ा पहले बोला था बड़ा हम गानी जब तुम मानी नहीं था तुम्हारे बना है तुम्हारी व्यवस्था अच्छी तरह सर खातेदारी कर ला हम तुम्हारा है चलो चलो बड़े जी भीतर आराम से रहे हैं अरे छोरा तुम दर्ज बंद किले करीन भाई अरे कग्या रे जब तक बक्सा नहीं खोल दो बड़ा जी तब तक द्वार भी नहीं खोल दो ओ पार्मति चिन ले ले धरे पर लगा लियो
और बता कक्का चन ब्यू पा क्या ओ बाहर कोचा हो कोचा रो 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 तगा चल 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 रोकते थे कक जाना छो अरे यार जुड़ जाना छोर कक जा ये क्या डूटे डूटोट का गिरी ना भाई क्या कन डूट जे के अरे बस क्या कन यार अपर सर का डूटी छे छुट्टी खत्म हो गई जान जरूरी अरे कत का पैसा मिल दे ना अरे पैसा तो ठीक ठाक मिल दे ना बढ़िया मिल दे अरे ये चूरे तो बक्स आए चूरे में पैसा भरया छे वान तम पूरी दुनिया खरीद अरे यार मिनकी ना वे बक्सा के मेरे सर का अंडो कर छे तुम जान जरूरी छे हम तो सरकार और कर कुछ नहीं चल रहा हम कौन तो प्रधान जी सब तो उड़ रही हूँ चुप बसवन छके रुपए जिन कब जाऊँ जाते हो किन्हीं जान इके मिल जाए भाई तिता हो तो रुपए जाते हो तिता हो को मिलन अरे यार मैं तो रुपए नहीं चाहना चल मेरे नौकरी ठीक चु देर होनी जान ना 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 ये मुझ पे बाहर भी नहीं जा सकता भीतर भी नहीं आ सको कंप्यूटर तो कम का जान अरे यार तुम जान जो काम काज तो रहनी जो भैंस की तुम इन निबुनर दसुद्धि जान दो कुछ नहीं चाहिए भाई प्रधान जी सख्त और जिन के बैर भीतर कोई नहीं जान भाई जान बेटा ये मुस भर नहीं जान तो ये भीतर नहीं आन जिस जानो जो तो तिदा कौन जान दिला बार हम बार सरकार और का हम कुछ नहीं जानता भाई अरे यार बकवास नहीं करो तुम यार जान दिया मिता हटो निजान 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 किधर जा रहे हो भाई गांव में जा रहे क्या कमल मल बेचने अच्छा कमल मल बेचने जा रहे हो हमारे यहाँ लेना है एक बोडी थे वो बुटिया उसने लेना है दे देना उसको ठीक है तो चलो हमारे साथ में फिर चलो 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 आ जाओ चल भाई तू पैथर रहे you
अफमोर जे लीत लुकुन तुए थे फूक दिन जीवंद रहेगी अपना दुश्मन उठे जाऊंगा। ईश्वर की मनी थे दुई चीज दी छन, एक जिंदगी और एक शरीर। यो कुछ सिंगार कर ए बुहारी किकरे छौ, ए बुहारी किकरे छौ, ए बुहारी। अरे कोच अरे जी नमस्कार, तुम छौ? समझे बात बेटा, सब रो तुम बस अब यार था क्या काम हो तुम आज? बस आगे बाबा दिखना कौन क्या करना था तुम? कुछ निकलो चो मिनी रात के कने चाहिए मुझे वो छने अकेले जाते दिखना कौन आगे तुम था? ना ना मुझे उठे चाहिए। अच्छा पत्नी के गैस से बढ़नी आज पेट मर पोड़ गयो मी, कुछ खास काम हो? हाँ आगे इन्नी कन इन्नी कन मतलब कुछ काम छे क्या? हाँ बुहार तो दिखना कौन है बुहार अकेला दिख। हाँ जी तुम्हारी खास समाचार पूछेगा जान। अरे अकेला क्या कंता बो वे पिक्चर तो दूसर लाई जी। हाँ हाँ बाबा आज का डेर भी ना चोर को मिन वो आली की जवान बिटोर अकेला ठीक नहीं थी तो जरा को आते देखिए जान। हाँ बाबा तुम पर बहुत बड़ी दया नहीं थी कि तुम तो ये छपर पुटो धो दे हिरान दया। बाबा वो सुखदेव तुम्हारे कन हालत करी जा कन हालत करी जी पता नहीं तुम थे वे की बस सौत रांड लई जी यन हालत नहीं होता मेरी अच्छा नहीं उम्र रह के। भूखी मुर्गियों में खाना कौन नीचे अड्डी करनी डिसारनी जडल मुर्गियों में छन्नी फुटो। तुम यहां किले बैठना चाहो आपको बैठे थे फोने से तुम यहां किले बैठना चाहो ने बैठे था कहीं दान आयम जाओ बैठेंगे तुम कब जाए। हमारी हम भी तुम्हारे अपने जवाब की गैर में था दख लगाना छो तुम हाथे मत कर क्या तुम्हारी ए निकलो एक कमरे बैठ दख लगाना छो तुम यहां डर भी के क्या ना चाहे चलो फिर एक कमरे उठ जल्दी उठ मिन वाली तक गुदी फॉर्म में तुम्हारा हां लत्ते चोट मारो सीधा चलो फिर एक कमरे है ये क्या ना छो तुम हमने रखोड़े नहीं कर फिर एक बड़े ये पहला बार तुमने पे क्या चरणजीव राव एक बात पूछूं छे मिन तुमसे। हाँ पूछा। जो ये गौ मबरू पे बैठना छी उ मबटे मिथे म्यार हिस्सा मिलल कि ना? बुहारी बात इंचा यूरो पे बैठना छना परिवार का मुखिया मा। अच्छा तुम्हारा आजम तुम्हारा मुखिया छ तो तुम्हारा आजम त यू पैसा मिलला
मतलब आदिम के मिले ला पैसा? बिल्कुल हाँ। न्यार आदिम ते पैसा मिले के न्यार के फायदा? उमे ते खानक तले पूछु नी तुमे मी ते देना पैसा। वन विवे मादक मी छुड़ो छो वे ते मेर के पुड़ी छे वारी परवार ते एक छे ना अलग ते तुम ते सुख देवे करियु छे ना तुम्हारे सभी तो सुख देवे दयाल ना किले तुम गांव नो ते मेर बांट नि दियो चांदो डांडी जाली वे की वे दिना मी ते मेर बांटू वे तो पहली सौतराण धरी छे वारी नियम ते नियम छे हमन तो परिवार का मुखिया ते दिन मुखिया ते दिन तुम लोगो ते सुजो चांदो ना कि मी बिछोया और मी ते मेर हाथ मिलियो चांदो कि ना कांड लगा तुम पर भी और सब गांवलो पर तुम उनमें दुखे कह रहे हो माचे दिमाग खराब कह रहे हो तुम लुखुल म्यार ये कुंडी माचे नो कुंडी झोलो हिसाब के ये बक्सो कत का गलत बात छ ना यूं गांवलो में फिरी का रुपया आया छ ना और तब भी मिथे नहीं देना छी जमना पर यूं मौका ना मिन अपन हाथ बटन निकलन नहीं दियो जब तक मैं ये गांव लोग निखर निकरा दिन ना तब तक मैं यूं बालू धन निपद अब तेरे दिन बौड़ान दिन भगत आएगी अब ये नरक ते स्वर्ग को बदल दे आधा से ज्यादा लोग ये गांव का भैर छन अगर तू सभ्यों ते बुले देली तो यू रुपयों का इतगा हकदार हो जाला कि कह का हद कुछ भी नहीं लगे यू थे अपना रूप जाल में अलझे की कुष्मा रुपया कमो रुपया कमो कुष्मा रुपया कमो रुपया कमो रुपया कमो रुपया कमो बहुत दूर तो बहुत जी फोन बड़ा दूर सर हेलो हेलो अच्छा क्या बात हुई आज फोन कर जा बाला बात याच ध्यान से सुनया पेन अच्छा गो में एक बक्सा आयु च अच्छा अच्छा और तखुंद 56 रुपए छ अच्छा जी हां जी वाह वाह रे और बात या हुई चा हां हां यो सर्र गो का मिली का खाना छन और मेन प्रधान छ बताओ अच्छा यो गुलर जानो अपनी लदड़ भूनो छियो हां और मीन सोची कि आप लोग ते बतायो चंदू बहुत दिन पे बात कर तुम आज पैसा हो जैसे फोन कर जी हां मिन सोची कि मैं सब दे गांव वालों ते बता दियो तुम भी ते ये गांव का छो तुम ते भी ते तुम्हार हक मिलियो चंदू ठीक छ मैं अभी गाड़ी लेके अभी फौरन आना हम सुनो दिल्ली छ हां दिल्ली छ अच्छा अच्छा बाकी सब ठीक ठाक छ ठीक ठाक सब बढ़िया बिल्कुल बाल बच्चा बिल्कुल घर पर आ जाया ठीक ठीक बिल्कुल अरे उन्हें भी सब दूं मैं बता दियो अब भी पहुंचना हम शाम भगत तक जब के बता सकना है ठीक छ हां जी धन्यवाद ठीक छ प्रणाम है नमस्ते हेलो नमस्कार अच्छा हां अरे मैं तो बड़ी मुश्किल से खोजा तुम्हारा नंबर ना एक ऊंचे गांव में पैसा यहां छिन छक्कड़े अच्छा अजू गांव के प्रधान छिन हंसराज हां हां वो पैसा ते जो के थे दिनो नहीं जे अच्छा कौन हो जो अच्छा और आप लोग जो गांव में आवर अपनो अपनो हक मांगा अच्छा ठीक छे ई बतान चाहू छे मैं आपके जत को पता वाल जत को नंबर वाल उमा में बोल दिया कि ये गांव में पैसा बटेना छे तो कद कर रुपया आला हमू जति की भी आला पर आप एला तब ताला तुम रुपया ठीक छ माणा छ जरूर अभी जल्दी आना छ हम तुम भी आ जा और वो चीज के बोलिन अपना अपना हक मांग लाई बे आओ प्रधान जी ते कहते ने बतान में बोल भी बता दे तुम लोग को ते ना छ हम बस ठीक छ आ छ में आए तुरंत बस ठीक है ओके नमस्कार हेलो कौन बोल रहा हां
एक बटे बुनु छो उतिंड बटे और तुम भी आवा गो मार जब तक छिन हमारा गो का जख जख छिन दिल्ली बम्बई कलकत्ता जख भी छियो मुजफ्फरनगर सहारनपुर हरिद्वार सब भी मो भालो कोटद्वार पुंड जख भी छियो रुड़की देहरादून हाँ हाँ ऊते फोन करो व्हाट्सएप करो ऊते बता रुपया करोड़ों रुपया आ छी गुनायो को छक्कड़े रुपया आ छी गोमा बात लुकाना चाहिए है एक तरफ कुश्मा ने गौ माँ भीड़ कट कह दी गम की बॉडा गल दीवा से जुत्ता मरण भराइया रातों रात बुएक ने पिनिस मड़िया भाइयों माँ बांट हुई थी बेटी ने अपर बाबा पछाड़ा को इनकार कह दिया खास मेहमान भीतर गुड़ेगी जयगा माँ 15-20 मनिक मुश्किल से दिखे न छाए आज तक कौतिक लगे मगर यू 42 अभी निमोड़ नीचे अभी तो और भी बहुत खेल खिलेना बाकी छन अभी तक कई कोई लोग घर आना था ना अरे ये बक्सर चक्कर में सर कहां है भाई तो इन कोई खबर को मैं जो बल्कि जो 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 हम नाम पता नहीं जाए वो लोग गण से हम ये कमा की सदा हम भी कब से हम भी कब से अगर तक पता नहीं हुए ये अब मैं चेक को फोन करण वाल छो वे कुला दो सबसे बड़ो छे विधायक जी नमस्कार म्यार नाम जी कुश्मा मी उतिंड गांव की छो एक बहुत ही गुप्त संदेश तुम थे देणो छो इले की म्यार ये संदेश थे लीड लगे की अकेला मा और यकुल में सुने रुपयों की सबसे ज्यादा जरूरत नेताओं थे होंगे किले की आजकल का चुनाव बहुत ही महंगा वेगे नहीं म्यारियो संदेश तुम थे करोड़पति बनान वालो चे करोड़पति तो खैर तुम वनी भी वेला म्यारिये संदेश सुनी की तुम थे 1 करोड़ 2 करोड़ शायद 5 करोड़ भी मिल सकते हैं वो भी बगैर कुछ करया आप सुना वे संदेश उतिंड गांव वालों थे एक बक्सा मिलियो चे खुद तुल बुल रुपया भरया छन वो 5 करोड़ भी वे सक दिन और 10 करोड़ भी बक्सा वे दिन खुलियालु जे दिन रुपया गोमा बटियाला गांव को प्रधान हंसदेव ई बात थे लुकाणु च ताकि यू रुपयों पर शासन और प्रशासन की नजर निपोड़ सा तुम प्रधान हंसदेव थे धमकाओ और आधा हिस्सा ले लियाओ वे खुण बोलिया कि आधा हिस्सा म्यार च नथर तुमुल यू पैसा सरकार खाता मा जमा करवे देन फिर कहते कुछ भी नहीं मिलू वे तुम थे चुपचाप आधा हिस्सा दे देन और हाँ भारे रुपये मिलन का बाद 10% मेरी खुचिल में भी धोल दिया अगर नी भी देला तो मैं तुम्हार कुछ नहीं बिगाड़ सक दू पर हाँ इतु ईमानदारी की उम्मीद मैं तुमसे जरूर कर दू धन्यवाद नमस्कार प्रधान जी नमस्कार नमस्कार विधायक साहब प्रधान जी ठीक ठाक है प्रधान जी बात सुनो मैं अभी जरा सिरोगी पहुँचना चाहूँ ना और आप भी सिरोगी है जरा आपसे कुछ बहुत जरूरी मुलाकात करनी है तो आप पहुँच जाओ बहुत जल्दी पहुँच जाओ तुरंत पहुँचो आप है मैं पहुँच रहा हूँ आप आओ मैं अभी पहुँचो छो सिरोगी चलो ठीक साहब तो पहुँचो छो मैं गाँव में छो मैं बैठे छो हम लोग बस 4-2 लोग बैठे हैं ठीक है साहब ठीक है पहुँचो
विधायक जी जांच विधायक जी नमस्कार। अरे प्रधान जी ना छुए करो यार, तुम तो अपने खास आदमी छा, तुम गले मिले करो सीधा। और सब ठीक ठाक प्रधान जी? हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक ठाक। और सुना गाँव में सब ठीक ठाक? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं जी? आपन बुलाया हम आयो साहब। अब तो तुमने माल अमाल भेज गया, मैंने सुन के तुम्हारे गाँव में बहुत बड़ो खजाना हो। अरे विधायक जी, पहले इन बतावा यह खबर आप तो दिया गया जी? ये बातें छोड़ा, तेरा बतावा खबर वह सच्ची छी कि झूठ? विधायक जी, तुमसे झूठ की लगलो ना मुझे, खबर तो बिल्कुल सच्ची था। हम तो एक बक्स मिलू और तक रुपया भी छन। अरे प्रधान जी, इन बतावा रुपये कत का छा? विधायक साहब, रुपये तो अमल गया नहीं छन, अमल तो रुपये दिखी और बक्सा बंद करी कि हम चीन दिया। 15 दिन तक हम इंतजार करना छवा, अगर कोई वे थे लीण नहीं आलू तो रुपये हमल गाँव वालों में बांट देने। प्रधान जी, जरा ध्यान से सुना है, वो रुपया इज्जत करके वाला बटन से पहले मैं खट दे बाटा कर दिया नथर, मेरे पैसे सरकार खाता में जमा करवा देना। अरे कहता कुछ नहीं मिलो। अरे विधायक साहब, इन्हें करें भाई, सर रखो वाला सार बैठे हैं, हाथों को प्राण फट रहे जाल फट। ठीक चार दैसा तुम ले लिया, पर विधायक जी 20% वे आध दैसा बटे मेरे को तुम्हें डाल दें। बड़ी मेहरबानी है विधायक साहब। 20%? अरे तुम प्रधान हो कि 20% की सियाणी कभी नहीं जानी। ठीक जी, अच्छा नमस्कार। चाची नमस्कार। नमस्कार, और ठीक ठाक है? हाँ जी, बढ़िया। आप कौन पहचाने छो? मैं भाई मित्र जो पहचान, मैं प्रधान जी का लड़का छो। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठो बैठो 5 मिनट। और ठीक ठाक? अच्छा बढ़िया, धर्म सब बढ़िया, सब आनंद मंगल। बहुत साल हम दिखे आओ। हाँ थोड़ा सा आई हो, 15-20 साल हो गया। 15-20 साल में? अच्छा अच्छा, ओ तो वहां की चक्कर में वो इलाज का काम और रुपया बढ़ रहा। ना ना रुपया चक्कर में? अच्छा, बा आन जानो घर घर है, एक आज चक्कर 5 साल में 2 साल में मन से। चलो बहुत अच्छी बात है, गांव दर्शन के ना, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पानी कुछ? चाय पानी कुछ नहीं। नमस्कार, चरण जी ओके नमस्कार। हाँ बहुत बढ़िया, मैं चाहिए लगण कि वहाँ 2000 रुपया कम हो गए तब भी आना चाहिए घर। कवियों की कविता, गिटारों का गीत, नेतों का भाषण, मातृभूमि की भावना, बालापन की याद, यूं लुखों थे घर बोर लाण मा ना कामयाब रही, पर रुपयों का लालच माई परवासी, बरसों का बाद अपड़ा गांव बोरिए, एक बार फिर रुपयों ने साबित कह दिया कि मी सैरी मुंथा मा सर्वश्रेष्ठ चौं, मी जय का चौं वे का गुंडा टिके दू, मी जय का चौं वे को शीश नवे दू, ई दौलत को हर मनिक गुलाम छे, अर्जुन थे समझाना पड़े श्री कृष्ण थे विराट रूप देने की जरूरत पड़ी, मगर ई दौलत थे अपन विराट रूप दिखाने की न कभी जरूरत पड़ी और ना ही कभी जरूरत पड़ेगी। किले कि मनिक दौलत को स्वरूप बहुत अच्छी तरह से पछड़ ई कहानी माँ अभी तक इन पता नहीं लगू कि उतिन गो माँ रुपयों को आणु एक हादसा च या फिर कोई खेल खेलू छ। ये गांव का लोग गांव तो आएगी नहीं, मगर जय लालच माँ ये लोग खो रहे छन
यूं थे वो दौलत मिले लेकिन ना। पर हाँ एक बात तय छे कि ये बक्सम बुढ़िया रुपयों को खंड अभी निमुनी छे। कल रात हम जब गाड़ी से चले ना तो यहाँ गांव में आए तो एक तो यहाँ ठंड बहुत लग रही है, दूसरे में जो है यहाँ का सुना है कि यहाँ पैसे करीबन जो है 5 करोड़ रुपए तक रखा हुआ है। 5 करोड़? 5 करोड़ के करीब में। कोई छोड़ के गया है? कोई छोड़ के गया। अब देखना कि उसमें से हमें भी कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ न कुछ मिला ना, पक्का मिलेगा सर। दूसरा मैं आज सुना व्यवस्था क्या हुई ना, मैं रात में शाम भगत हम आते हैं बढ़िया सा कुसुमा का दारू पिलाएंगे और इतनी बढ़िया से कुसुमा दारू पी के आप और मन बिल्कुल फिट हो जाएंगे। I'm not afraid to die.
इनकी बात हो ली। ओम भलो कह नारायण नारायण भलो कह भगवान भगवान नारायण 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 हरि ओम नारायण। बता दी हाँ बोल ये कब बुझना तुम्हारा जो तखान वाला काम निकाल समझ गया जड़े जुड़े आ जाओ चप चप बुझना आजकल में यार घर आने से ना ठीक यार क्या बात होनी वे लिया है आपकी बोली है गुड़े चुप की रे गुड़िया सवा अब बना की लेने सवा। अरे मैं तो चुप यहाँ मानो यू चाहो कि जो ये म्यार लया से पूछना है तो म्यार लोगों लोगों को त्यार बिटन निकाल दे लया से ना अरे उधर ले मैं हरिद्वार जा रहा हूँ ना सवा ना गुड़े। अरे अब मैं तो छक्का गया दे रही तुम तो ही असर गांव बिकट थके दे वो ये मुझे माफ कर दिया जरा दो दी अब मुझे यहाँ छक्का गया विद्यारी मिल तुम तो सरगा इकट्ठे कर जाए ये लो दी सरगा का ठकाने से म्यार था मेरे वाली हमारे भीतर बुझना कह रहे हैं लोग बुझना नहीं कहा चल अपन भीतर बुझना चाहिए ना ना ये कि लैंस में बुझना ही नहीं उन्हें बेटा लैंस लोगों गार बेटा निकाले लैंस दले आता यूं होता मैं हरिद्वार जा लेगी ये मेरी नौने से गुंदी की ये मेरी मर चुच चुके की भीतर जाए दर मेरे को एक पुला चाय चाय लेगा बने लूस कनकबल फुट में एरिया एक कजन इंत मिदा ये जूती खलाना कह दिन गोल गवार सोत्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी बस गए नारायण जी नितरी इनमें मारे चाचित तापन नागिर का ना जाना तो इनमें थोड़ा निमो को गुंजा था पर कुछ दर्द चला जरा से। अरे नूरी तो कुन जे के कम तो तब पता चल गांव में कुबाक साइन कुबाक सा और इतना रुपये छनो कुन रुपये इतुकाल हमारे हिस्सा मा कि रुपये इतना छन के हमारे सर अगल पीड़ भी खा लुआ था। मेरी मुखड़ी ते न देख मेरा की साना जब को मेरी मुखड़ी ते न देख मेरा की साना जब को मेरी आंखों से अपनी तो आकी मिलो मेरी मुखड़ी ते न देख मेरा की साना जब को मेरी आंखों से अपनी तो आकी मिलो
ये मायादार माया जोड़ यारा पेटर न फोड़ मी मुकमी क्या च बोले की बरात लेके ओल त्वे ते ब्योली बणोल नथर जोगी बणी जोल ये बण जा मेरे ब्योली मी ते जोगी ना बणो अरे बण जा मेरे ब्योली मैं ते जोगी ना बणो जोगी ना बणो मैं ते जोगी ना बणो अरे बन जा मेरी ब्योली में ते जोगी ना बनो अरे बन जा मेरी ब्योली में ते जोगी ना बनो मेरी आँखों से अपड़ी तो आँखी मिलो इस बात में हिट देख तेरे मानो इस बात में हिट देख तेरे मेरी ब्योली में ते जोगी ना बनो मेरी आँखों से अपड़ी तो आँखी मिलो हेलो प्रधान जी नमस्कार हाजी विधायक साहब नमस्कार बोल पैसे बैठना चाहिए क्या हाँ जी हाँ जी विधायक जी बोल गो पैसे बैठना चाहिए प्रधान जी मेरी बात सुने हैं ध्यान से रुपए तब बैठे गोमा पहली बार आधे से निकाल दिया हो विधायक साहब माफी चाह दो बात इंचा की बक्सा मेरी भिड़क पुट चुनू जो और बक्सा सबुक समुड़ ही खुला और रुपये जो छिन सबुक समुड़ बटे जाला और वक में जो जो बक्सन खाली भी हो जान और जो कुछ जे को हिस्सा थे वो सबुक समुड़ बटे जाल और आप भी वकी मौजूद रहे विधायक जी प्रधान जी कमाल करना छो भाई यार भी आपको एक पद से एक पद की तरफ हाथ रखन चैन है ना जी मैं भी आपकी बातें समझो छो पर क्या कन मैं भी मजबूर छो हाँ आप इनकर यहाँ की कोई खास है तो भेज दें आपको पैसे लेना पड़े पर बात इन जो की रुपये तो सब गाँव लगे ही समझ बैठनी विधायक जी जरा मेरी भी मजबूरी समझा मैं अलग से पैसे निकाल देंगे धैर्य सको अरे प्रधान जी सब समझ है कि अगर भी आप हिस्सा ले लूँ मर्द रखा हाथरू के शक्ति ने पर बुलदर की जो मान जो की शक्ति विधायक जी अगर मैं कोई कुछ बोल दिया लू तुम इन कहे की थमन विधायक जी रुपए चढ़ने से थोड़ा बेसरम तो पानी पड़ लू क्या कर मैं भी मजबूर छू चलो ठीक जी अगर आपने मना चाह ना तुम्हें पहुंचो सुबह अच्छा अच्छा विधायक जी नमस्कार अच्छा नमस्कार ठीक जी बनाल इन बात नहीं थी तन कुछ नहीं हो समझा और उन बोल कि मतलब रिपेयर दोबार से बनाला वाली अरे अरे के रौनक विचार छू तो पता नहीं रहा अरे कक बनाने हो ना कुछ नहीं होन कह नहीं हो पैसा मिल रहा भाग देख ले तू तू भी किधर में भी कि तू और बिना हमें तो यूं नहीं रहने
कुड़ी जैक्यूएल पुकेनी पर उत्तीर्ण गांव में निवत खूब हुई चाहे जन के बीतें पर गांव वालों का 15 दिन बीत गए। रुपयों को कोई भी हकदार नहीं है। अभी रुपया गांव वालों में बंटे जाला। जैसा ये रुपया छन वे को अभी तक कोई अता पता नहीं छे। पर हाँ बिरणी तय में अपनी पकौड़ी फ्राई कनवोलों को कौथिक लगी छे। ये बक्सों दो कत का रुपया छन ई अभी पता लग जा। एक परिवार का हिस्सा मां कतो रुपया आना छन ये को भी हिसाब अभी लग जा। ये रुपया जत का बीचन वे को आधा हिस्सा विधायक जी को या बाद भी तय। मगर कुछ सवाल एन छन जो अभी तक हार नहीं पड़ता। गाँव का लोग बहुत खुश हुआ छे कि थोड़ा देर बाद उधर रुपया मिल जाला। मगर ये रुपया अच्छा कह का छे और ये गाँव में किले धरिया छे। ई बात है कोई नहीं सोचो। दुई बुजुर्ग आपस में छुई लगाना छा कि रुपया मिलना का बाद जो बचा कुचा लोग छन वो भी एक बटे सड़क जाला। पर इन भी तो वैसा कदु कि रुपया बटेने से पहले यूं रुपयों को हकदार है जा। अगर आलू तो यूं रुपयों को असली हकदार थे कि रुपया बटेने से पहले है जान चलो। नथर रुपया अगर लुखो का हाथों पर चल जाए तो फिर तो का हाथों पर रुपया लुछोड़ असंभव। जन के आप लोगों को समझ पर यह बक्सा खुलेगा ही रुपया भी गणेगी ना। 5 करोड़ रुपया हम तो ये बक्सा पुटुक मिली ना जो कि अब 2003 लोगों में बटे जाना और 2000 लोग हमारा 3 ग्राम सफल छे और हमारा दगड़ मा 3 लोग और छे। हमारे क्षेत्र का माननीय विधायक जी और हमारा क्षेत्र पंचायत सदस्य साहब और हमारे जिला पंचायत सदस्य साहब साहब जी बक्सा भैरगढ़ गया है। 25-25 लाख क्षेत्र पंचायत तो जिला पंचायत 2.5 करोड़ रुपया विधायक 10-10 हजार रुपये जनता मान। 15 सालों बैठे की ये गोमा केवल 25 परिवार है और सब बाकी प्रदेश चल गया। आज 15 साल बाद रुपयों का बान है सही। ये लोग सब कम से कम गांव तो आया छे। प्रधान जी मीर पूछू छो प्रत्येक आदमी की समाज कतो कतो रुपयाल अभी हिसाब किताब लगनो छे। 5 करोड़ रुपये छिनी और अभी यूं का 2003 बाट होनी। हिसाब किताब लगाने में जरा टाइम तो लगने चाहे हम तक आप टाइम पास के लाओ तब तक चौंका चौंका लेके जाओ तब तक।
की हिसाब किताब बन गया ही कहते कतु पैसे मिलना छा ना सुना एक परिवार का हिस्सा मान छ पूरा 10,000 रुपया प्रधान जी 5 करोड़ रुपये मान एक आत्मा हिस्सा मान सिर्फ 10,000 ये कर हिसाब लगाया तुमने जरा हम था हिस्सा समझाइए हमें बेवकूफ नहीं बना सकते आप लोग 5 करोड़ रुपया 2,000 लोगों में बांटे तो 10,000 कैसे हो गया 25,000 रुपया एक के हिस्से में आएगा एक परिवार तो सिर्फ 10,000 रुपया कोई दी भाई छन कोई चार हम चार छौ हम चार अलग भेगो अब घोरन जैकन हमर बांट वाला सिर्फ 2,500 रुपये आना छन एक भाई के हिस्से में अजी आपको अपनी पड़ी है हमारी सोचो 15,000 में तो हम लोग गाड़ी लेकर के आए हैं यहाँ पर और जो हमारा खर्चा हुआ वो अलग हमारे तो 30-35,000 वैसे ही खर्च हो चुके हैं तो आप लोग आए क्यों जी हमने बुलाया आपको यहाँ से फोन गया तभी आए हम लोग किसी लेडीज का फोन गया तभी आए हम लोग क्या नाम था उस लेडी का जी नाम तो हमको पता नहीं लेकिन ट्रू कॉलर में उसका कुसमा नाम लिखा हुआ आ रहा था म्यार मुखुम क्या दिख रहा था तुम सभी सभी हाँ मिली का फोन विधायक और यूं जनप्रतिनिधि होते मिली बुला मिल कर ही उखड़ फोन है तुम क्या करो ते मिथे गौर बचुर से भी फुंड समझ याल छाई अरे गौर बचुर तो दूरक बात रही अगर गुठियार में कुकुर भी आ जान ना तो वे कुण भी लोग एक गप्पा चुटा दिंदी पर वे कुकुर सी औकात में नहीं समझ तुम लुखुर मेरी जय की गुठारम जो न मी वे नी दूध कार में थे जन बुलेन कोड हुई वेल छे चोर छे तो चोर ये ला दूध कार है लुखुन तो दे मैंने खुद आप रांख ब्याग तो दे गया करो आपको द्वार अड़कान हाँ चोरी कार मीन पर क्या चुरा मिल तुम्हारो दुई घास का पखाना खुड़े ना हाँ मिल आलू भी चुरे पिंडो भी चुरे और वो आलू और पिंडो उजे आगे खा मिन क्या खा रहे शामिन तुम्हारा ना गुड़ा केल दिन शामिन तक खाना खुड़ तुम लोग खुलते मिते पुंगड़ा में बाल तक नहीं करने दिया बाल 14 साल वेगिन मिते ये गोमा आया का अरे दुख तकलीफ तो बहुत दूर अग बात चे कब भी कल पूछ तक नीचे कि हे कुसमा तू क्या खानी चाहिए गौमर रुपया ऐनी असब यूं थे आपस में रुपया बटेना छन और मी कुन बुलेगे कि हर बटक हिस्सा नीचे अरे मन की तो छोड़ा मेरा भागा का देवी देवतों भी कंदूर बुझेली क्या मजान छा मिन रूना खुने की अच्छा तीन वे को गैलू निकालो हाँ अब तुम लोग गैल बोलो ये जो कुछ बुना तुम उन बोल लो तुम्हारे हिस्से में तो बस 10,000 रुपया आनी छी ना और मिलते खूब रुपए कमेनी खूब मिंत दारू बनाई कच्ची दारू और बिकाची अरे लोग बुना छी हमारा 30-35,000 रुपए खर्च वेगे नी ठेक बुना छी नी यू 15 दिनों में 15 लाख रुपए कमाए मिन दज्जा ये देखा इछन म्यार कमाया रुपया 15 लाख छिनी 15 लाख अब मेरी गरीबी का दिन ये गांव का सबसे ऐच बड़ा आदमी ना पर मकान और कह को एहसान नी चढ़ो मिठे की और ठम ठम रुपए देगी पुंगड़ी भी लियाल मिल चार डुडियाल लगा लो प्रभु मरे माँ और दन खेती करूं और रानियों की तरह जिंदगी जीवन प्रधान जी तुम उन तुम्हें थे म्यार हिस्सा देन से इनकार के रहा चाना इनकार लेकिन तुमसे 10 गुना ज्यादा कमाया लिन मिन मिखोल चॉकलेट फ्लेवर आइसक्रीम
और तुम चूसो ये 25 पैसे की लैम चूस। और हाँ एक बात और, अब एलमी भर पानी, तब दिखा तुम ई पूरी लंगूर पट्टी की सबसे खूबसूरत बांध में होलू। अर विधायक साहब जी, मिन तुम उगते फोन करी के बोली छो ना कि तुम 2.5 करोड़ में दे कुछ हिस्सा मिठे भी दे दिया, याद ना कि भूल गयो, अब मिठे वे हिस्सा की जरूरत नहीं जी। मेरी तरफ बेटे टिप समझी के धर लिया। श्रीमान प्रधान जी, जरा ये बताना कष्ट करे ना कि माननीय जनप्रतिनिधि ताई ये 3 करोड़ रुपए के पतक मिलने चल। बात इंच ये पैसा न तुम्हारू न हमारू, जन को धैर गया या कहिए बक्सत है, हर कानून के हिसाब से ये पैसा सरकारी खाते में जमा होना चाहिए। और ये यो की हिमेर बहनी चे की यो पैसा सरकारी खाते में जान से यून बचे दे, इले यूं था यूं किसे दी होना चाहिए। हर वानी भी तुम तो फ्री पकड़ कर 10,000 रुपये मिलना चाहिए, और चुप पकड़ा, और ये मुंडर तो खत्म करा। 15 दिन बड़े परेशान हो गए मैं पैसों चक्कर में। बहुत पुरान मिसाल छे कि धोए धोए कुवारू अलग लगेगी स्वार ने उठ, पर आज धोए धोए कुवार भी हो जाए अलग लगेगी स्वार भी हो जाए। आखिर रुपया कौम पटेणी बैठी बिरोनो लगलू, अगर अपन कुठार में आ जा तो वे भर लगी ककड़ी खान में बैर गए। विधायक साहब बेरी दानगीर करण बनया छन, बुलेंदे अपन बाप ददों की दौलत है पटना होना। रुपया वितरण करने को फायदा विधायक साहब थे कि आन वाला चुनाव भर भी मिलो, ये खुने बोल दिन पंची उंगला घेमा हर मुंड भर लो, भैंस भी मिल संगुल भी मिलो हर कील मिल गया, और जो पीस दूध नौनी घी खाया लो वाला सब कुछ निबड़ गया, पर मिते अभी भी लगो यूं रुपयों को मालिक जरूर आ। अब एक सवाल और खड़ो है क्यों रुपयों को घुसे यूं लुखो मदे अपुर रुपया लूछ लुकन गए। बहुत रुवा ये गांवलों मिथे 14 साल तिल तिल कैरी के फटकरियों में, बहुत खून सुख है यूं गांवलों मेरी, म्यार खयूं गास गप्पा म्यार बदन फरने लगन दिया यूं, अब फटकरना की बोरी तुम्हारी चीर ये रुपया बटेना छिन्ना कई का हाथ नहीं लगन दी मैं, अब लगानो छो मैं आखिरी फोन, म्यार फोन लगल खट और तुम्हार शरीर फट कर येलू फट। हेलो पुलिस स्टेशन पौड़ी, तो जाओ विधायक जी तुम तो 1.5 करोड़ पे देने हमले, और क्षेत्र पंजे साहब लाओ तुम पर 25 लाख।
लगे प्रधान जी जरा रुका अभी हम एसएसपी साहब क्षेत्र में आपको स्वागत आपन शायद नहीं पछाड़नी मैं क्षेत्र विधायक तो श्रवण जयपाल छो अरे भाई नी विधायक छो आप सैल्यूट नमस्कार कुछ नहीं करता क्या खैर मिल ही आप तो ये सूचना दिए छे मिल ही आपको फोन कह छो अरे यख कुछ गप्ता जिसको हिसाब किताब चरण ऊँचा अच्छा पर मेरा मोबाइल पर तो आपकी कोई कॉलिंग नहीं ना 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 इन तो 100 नंबर पर फोन कह छाई तो रही आपसे संपर्क कह होलो अच्छा आपको बोलने का मतलब यो छ कि आपन 100 नंबर पर फोन कह रही होलो और वक बटी कांस्टेबल या इंस्पेक्टर रन फोन उठे होलो और वे इंस्पेक्टर रन एसएसपी ते ऑर्डर दे होलो कि आप उदंड गांव में चल जा है ना ई छ ना आपको बोलने का मतलब पर आपकी आउटगोइंग कॉल में 100 नंबर तो डायल करियो कखी नीचे अरे भाई मैं विधायक छो विधायक एक घंटा में 1000 फोन है देना अरे भाई 100 नंबर ककरे नु देते फोन में एक आईपीएस ऑफिसर जनता की वोट से नहीं बढ़ दो सबसे ज्यादा पढ़ाई करता हम सबसे ज्यादा इम्तिहान देना हम तब जे की मिलती है बढ़ तुम लोग 100 करोड़ जनता तय झूठ बोली की ठगा सकते हो पर हम तो नहीं ठगा सकते शायद तुम ते पता नहीं चाहिए कि हमार कंधड़ों पर सच झूठ पकड़ बोली मशीन ने लिखी मशीन बात सुना साहब अब पिछले में जल्दी मचो हाँ पकी इन बातों का जवाब यहाँ पर कार्यालय में जाके दियो लू अब रही सका ढह करो नहीं जाने तुम्हें जब हम तुम जन बैठे चाहे जब चाह वो हम जाके बैठ जाओ ये घपता लिस्ट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी तुम्हारी चाहिए ये बात की पूरी जानकारी चाहिए सबूत तुम्हारे मोबाइल पर चाहिए जडू ले बनु मिथे इले कंपनु छो जडू त फिर पसीना खिलाणो पसीना तुमल शायद मिते पछाण नी मी भी यही गो छो म्यार नाम छ आशीष कुप्रे म्यार तजिक नाम दयानंद कुप्रे जब हम ये गौते छोड़ के गए छाई वे बरी मेरी उम्र 7 साल छाई अच्छा आप दयानंद कुरे दीजी का सुपुत्र छो आप समझ में आ गया ही अब तो ये रुपये मां म्यार भी सच ना छह छह कुछ बच्चों या सब बांट जाए
मजाक नहीं कर बेटा, तुम तो मालूम नहीं चा मैं सुला झड़ी कद कदा रुज गया और झड़ी कद कदा सुख गया। अच्छा? अरे जी तुम लोग करना चाह क्या वो मजाक नीचे 5 करोड़ मदे 2.5 करोड़ विधायक जी 25-25 लाख यू क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत बोलो और जनता का वास्ता सिर्फ 10-10 हजार रुपया। मजाक तुम ते मजाक नहीं लगनो तुम ते पता ची यू रुपया ये गोमा कू धर गए किले धर गए मी दे लू जवाब ये रुपया म्यार अचन अरे यू ते यक मी धर गए। सबूत नंबर 1 ये बक्सा का तालु जो तुम तोड़ी वे तालु की चाबी नहीं। सबूत नंबर 2 ये बक्सा फोटो कुछ कागज बिछे या च मेरी पासबुक जे मैं पैसा जमा करने की डिटेल चाहिए 1,000 रुपया 2,000 रुपया 15,000 रुपया और 18,000 रुपया म्यार दादा जिन म्यार पिता जिन अरमीन मिली की यू पैसा तो जमा कर यू पैसा तो जमा करने में हमारा 18 साल लगा। विधायक जी हमारे 9 साल की कमाई है तुम 1 मिनट में हड़प गयो और फिर तुम पूछना चाह कि मिन तुम गुणा सल्यूट के लिए नहीं मार शुक्र मनाओ मैं तुम पर जुत नहीं मारूं। ये बात एक आईपीएस ऑफिसर ना बल्कि ये गांव को एक ना। अब दूसरा सवाल मी यू रुपये ते ये गांव में किले धरे रुपया मी ये गांव में इले धरे क्यों कि मैं ते अपर गांव से प्यार छे सात साल से एक गांव की खुशी में खिली छो जय भितर मिन जन्म लिया है वो भितर ये गांव छे जॉन डंडली उमा मैं हिटनु सीखी वो डंडली ये गांव छे जो पालो के मिन माट चाहती वो पालो ये गांव अच्छा मैं बेशक ये गांव से बहर रहने पर ये गांव की पल पल की खबर हो ये गांव में बहुत परेशानी छे पर क्या जुओं का डर घाघर छोड़ दियो हमारे प्रधान जी का द्वारा एक बटी हर महीना एप्लीकेशन जांच रहनी स्कूल का बारे में पानी का बारे में सड़क का बारे में और अस्पताल का बारे में एक बटी लगातार एप्लीकेशन जांच पर क्या फायदा हमारे विधायक जी ने कभी यूं एप्लीकेशन थे विधानसभा में प्रस्तुति नहीं कर फाइल में उस सब कागज लगे छन जो ये गांव की जरूरत छन पिछला 18 साल बटी ये कागज कोई जन प्रतिनिधि मत जाना छ पर दुर्भाग्य यो की नजर में यो कागज की कोई वैल्यू नहीं छ
आज यू कागज जगह विधानसभा में प्रस्तुत हो जाता तो ये गाँव कभी खाली नहीं। मैंने ये बजट टू टोटल कैरी तब जैकि मुझे पता लग कि म्यार गाँव में विकास को खर्च जो सिर्फ 5 करोड़ रुपए। अगर 5 करोड़ रुपए एक गाँव में खर्च हो जाता तो एक गाँव को चौमुखी विकास हो जाता। पानी बिजली सड़क सब कुछ ऐ जान म्यार दर्जन 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए ये गाँव को ढेर दिया। म्यार पे दर्जन 1000 कमाए तो 100 रुपए ये गाँव को ढेर दिया। मैंने 10,000 कमाए तो 1000 रुपए ये गाँव को ढेर दिया। इन इन कह रहे कि हमने 5 करोड़ रुपए तय इकट्ठा कर मगर तुम लोग यू पैसा तय देखेगी गाँव तय बिसरे गो और वे को परिणाम यो चो कि 10,000 लेकर बैठे छो धिक्कार छे तुम लोगों को। एक गन भी नहीं सोची कि अगर ये 5 करोड़ रुपए गांव में लग जाए तो गांव का चौमुखी विकास हो जाए। यूरोपीय तो देखेगी सबका सब सेल्फिश हो गया। गांव का विकास का वास्ता सिर्फ रुपये नहीं सोच भी छेड़ी। रुपये तो फिर भी है जलो अब बोला विधायक साहब कि कार्रवाई करे जा तुम। पहले तो मैं तुम जाना सपूत को सल्यूट कर दो। बल कादल से कालो हों कलंक और कलंक से कालो छोमी। बेटा तेरी यह डांट फटकार तो बहुत कम सजा चे तू इन कह बेटा गोली मार दे मिथे। गोली मार दे मिथे 100 साल को निर्लज जीवन जीने से बेहतर चे 40 साल का विवेकानंद का जीवन जी लियो। मरण बहुत आसान चीज जीवन रह की कुछ कह रही खबर मी आज अपनी माटी के शौक है कि बोल दो त्यार सलो मैं वही दिन पढ़ चलू जे दिन गांव को एक एक कागज थे मैं विधानसभा तक पहुंचो दू। अरे अपर जनप्रतिनिधि होना को पूरा फर्ज निभा लू। बेटा ये उतने गांव को विकास थे तीन कह पर आसपास का जो गांव छे ना कैन उल्ठांगर और बंदेला भरगवाड़ी और बरगड्डी बागो वार्ड पुलियासो यो गांव को विकास मैं करूंगा। ये को नाम धैर्य आल के ना पेंडिंग अब धैर्य दियो यो चमियार गांव को विकास।